हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलिस किचन। समर सीजन है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सो आम का सीजन है। हम आम से बना कुछ ट्राई करते हैं आज। गर्मियों में बहुत दिल करता है हमारा ड्रिंक्स पीने का, तो आज हम आम से ट्राई करते हैं आम बनना। सो लेट्स स्टार्ट विद माय रेसिपी। इसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए, इलायची, जीरा, काला नमक, नमक, काली मिर्च, शुगर, मिंट लीव्स, पानी और आम, कच्चे आम। सबसे पहले हम आम को पील करके इसका पल्प निकाल लेते हैं। हमने कच्चे आम को छील लिया है, अब हम इसका पल्प निकाल लेते हैं, इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। इसकी गुठली को हम इसमें से अलग कर लेंगे, इसके से सारा पल्प उतार लेंगे। हम एक पतीला लेंगे, इसमें सारे कच्चे आम डाल देंगे और आधा पाउंड पानी का डालेंगे। इसमें काला नमक, सॉल्ट, काली मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए ढक के रख देंगे। हम एक पैन में जीरा और इलायची डालेंगे और इसे भून लेंगे थोड़ा सा। अब ये जीरा और इलायची भून गई, इसे भी हम आम में डाल देंगे और इसे अब 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक आम बॉईल होते हैं हम तब तक चाशनी बना लेते हैं। पैन में चीनी डालेंगे और पानी डाल के इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो गई अच्छे से, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम आम भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं आम। इसकी भी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अभी ठंडा हो गया, इसे हम जार में डाल लेंगे। इसमें पुदीना डालेंगे और अभी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसे ब्लेंड कर लिया और इसे भी हम चाशनी में मिला देंगे। हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। देखो ये अच्छे से बॉईल हो गया है और हमारा आम पन्ना रेडी है। अब इसे छान लेंगे हम। अब एक पतीले के ऊपर छन्नी रख के इसे छानेंगे। ये देखिए नीचे कितना गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प रह गया। अब हम ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा सा आम पन्ना डालेंगे। आइस क्यूब डालेंगे। पानी ऐड करेंगे। स्पून से मिक्स कर दें। हमारा आम पन्ना रेडी है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और मैं इसे अभी टेस्ट करने वाली हूँ। इट्स वेरी यमी। आई थिंक आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, सो प्लीज इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।